हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मेरा DIY हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के ऊपर है। सो आज की वीडियो में मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी बताऊंगी कि मैंने ये कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डाला है, कैसे बनाया है, और दूसरा डेमो भी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम हीट प्रोटेक्शन स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का काम ये होता है कि आप जब भी अपने बालों को हीट देते हैं उससे पहले आप वो स्प्रे कीजिए, ताकि आपके बाल जो डैमेज होने का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि हीट से तो डैमेज होंगे ये तो श्योर है। बट हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई करने के बाद जो आपका बालों का डैमेज होने का जो चांस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का काम ये है कि आपके ये बालों को हीट से डैमेज होने से बचाता है। अगर बात की जाए मार्केट के हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की, तो वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल बेस होते हैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आप उन्हें परचेस करने जाएंगे तो उनकी स्टार्टिंग रेट ही 300 रुपये से चालू है, जो आगे बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लाइक 700, 800, 900, 1000 रुपये के मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे देखे हैं। सो जो आज मैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बना रही हूँ वो मैंने 5 से 7 रुपये में बना लिया है। सो चॉइस आपके ऊपर है कि आप मार्केट वाला हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं, या मेरा बताया DIY हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जो सिर्फ 5 से 7 रुपये में बनेगा। आज की वीडियो में मैं DIY हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का डेमो भी करके दिखाऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे मैंने कैसे बनाया है। तो अब ज़्यादा बात ना करते, सबसे पहले मैं आपको डेमो करके दिखा देती हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था, और उसके बाद आप देखिए आप मेरे बालों की हालत कैसी है, कितने ज़्यादा डल से लग रहे हैं, और फ्रीजी हेयर हो रहे हैं काफ़ी नीचे से, बहुत रफ़ हेयर हो रहे हैं। तो इनके ऊपर हम हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई करेंगे। ये मेरा DIY हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है, सो इसको अपने बालों पे स्प्रे कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्मेल सच में बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। इसे हम जब अप्लाई करेंगे फिर फिंगर से हम इसे ऐसे से करना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बालों में अब्सॉर्ब हो जाए। ऐसे हम पूरे बालों में कर लेते हैं। हमने बालों पे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई कर लिया है, अब इसे हमें सूखने देना है। इसे हमें ड्रायर से नहीं सुखाना है, इसे हमें नॉर्मल एयर से ही सुखाना है। थोड़ी देर में 10-15 मिनट में बाल सूख जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बालों की जो टेक्सचर है उसमें काफ़ी चेंजिंग आ जाएंगे। मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, और सच में इस हीट प्रोटेक्शन स्प्रे की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस मन कर रहा है अपने बालों को ही सूंघते रहो, इतनी अच्छी स्मेल लग रही है। आपको दिख रहे हैं कितने सॉफ्ट और सिल्की और शाइनी हेयर्स हो गई है। सो अब हम प्रेसिंग भी कर लेते हैं बालों की। सो आप खुद ही देख लीजिए, ये हीट हुए भी हैं फिर भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हमने ये अपना हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कैसे बनाया। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल लेंगे, और उसे सेटिंग स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है ऑलिव ऑयल, वो भी हम 1/2 स्पून लेंगे और सेटिंग स्प्रे की बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैं हेयर कंडीशनर लूँगी, आप कोई भी हेयर कंडीशनर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये डव का हेयर कंडीशनर लिया है, जो मैंने 5 रुपीज़ का पाउच लिया था, और ये इनफ है। 1 स्पून हेयर कंडीशनर भी हम बॉटल में डाल देंगे। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर, बट ये ऑप्शनल है,
अगर आप रोज़ वाटर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं। और ये रोज़ वाटर मैंने घर पर बनाया था, वो मैंने कैसे बनाया था वो आप मेरे प्ले बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, बहुत इजी वे में बना दिया था। रोज़ वाटर डालने के बाद सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से शेक करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत अच्छा बना है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और इसकी जो लाइफ है मिनिमम 6 मंथ की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज, आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल और डेमो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से होगा ये कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।